आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। कैलाश मान सरोवर की हम बात करेंगे। हिंदुइज्म में सबसे पावन स्थल कैलाश मान सरोवर, भगवान शिव पार्वती का घर कैलाश मान सरोवर। पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ी, यहीं से ही तो लिबरेशन हुआ था। बुद्धिज्म, जैनिज्म, टाओइज्म, बौन, हर धर्म में पवित्र स्थान, मैं नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स की बात कर रहा हूं, कैलाश मान सरोवर जो कि अभी तिब्बत में है। दोस्तों, आपको शायद कैलाश मान सरोवर के बारे में नहीं मालूम होगा। अभी हमने, हमारा चैनल है शॉर्ट्स ग्लोज, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो वहां पे एक लेक्चर किया था, एक शॉर्ट्स किया था, तो उसमें काफी बच्चों के कमेंट आए थे। तो मैं बताता हूं कैलाश मान सरोवर में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ज्योग्राफिकल, ये एक दैवी धरती है। कहा जाता है यहां पे ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं कि आप इसकी चढ़ाई कर नहीं सकते। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, जहां माउंट एवरेस्ट में अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा, हर कोई चढ़ाई कर चुका है और हर साल लोग चढ़ाई करते हैं। ये 6000 मीटर के करीब है, 2000 मीटर कम है, लेकिन स्टिल अभी तक कैलाश मान सरोवर में कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक हर्बर्ट इची, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े क्लाइंबर, 1936 में इनको मौका मिला। हर सारी पीक को वो चढ़ चुके थे, विजय हासिल कर चुके थे, यहां पे चढ़ने गए। शेरपा ने बोला आप यहां चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि जिस इंसान के अंदर जरा सा भी पाप है वो इसकी चढ़ाई नहीं कर सकता। 1933 में हर्बर्ट विल्सन, आरसी विल्सन और रिडगर करके थे, इन्होंने भी पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश की। जैसे ही चढ़े तुरंत वापस आ गए। यहां पे जो भी चढ़ता है उसको अजीब सा महसूस होने लगता है, मौसम बदल जाता है। और दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, सब प्रूवन है, आप देख लीजिएगा, सबके इंटरव्यूज अवेलेबल है। 1980s में स्पेनिश, एक बहुत बड़े, मन का नाम भूल गया, एक बहुत बड़े स्पेनिश माउंटेनियर को जो सब जगह जा चुके थे, उनको चढ़ाई करने की बोला कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं बिल्कुल इसकी चढ़ाई नहीं करूंगा कैलाश मान सरोवर में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है यहां पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप सच में, आपको दैवी शक्ति का एहसास होगा। और यह भी कहा जाता है कि जिसने इसको चढ़ लिया, फतह कर लिया, मतलब जो इस पर चढ़ गया उसको मोक्ष की एक तो प्राप्ति मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उसको ना काफी वो पावरफुल हो जाता है, काफी ज्यादा, मतलब एक समझिए कि पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है, ज्ञान की प्राप्ति और सब कुछ एक साथ हो जाता है। एक ये भी यहां पे बोला जाता है कि हम एजिंग बहुत तेजी से होती है। लोगों का ये कहना है कि जब हम इसके पास जाते हैं तो जैसे जैसे पास जाते जाते नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक बहुत बड़े, मतलब एक साइबेरियन माउंटेनियर यहां पे इसने चढ़ने की कोशिश की थी, तो काफी टाइम लगा था, उसकी बहुत जल्दी मौत हो गई थी एजिंग की वजह से। वो जब आया तो यंग था, एक दो साल बाद इतनी तेजी से उसकी उम्र बढ़ी कि उसकी मौत हो गई। अब देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं, और साइंटिस्ट भी आश्चर्यचकित हैं। काफी सच्चाई है, और ये बात है कि जब भी यहां पे कोई भी चढ़ने की कोशिश करता है, रशियन साइंटिस्ट ने, रशियन माउंटेनियर्स ने चढ़ने की कोशिश की, या तो उनकी तबीयत खराब हो गई या मौसम खराब हो गया। हमारे वेदों में, स्कंद पुराण में, महाभारत में, पुराणों में इसका जिक्र है, और बोला है कि भगवान शिव की धरती है ये, भगवान शिव का घर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहां पे, मतलब दैवी शक्ति, पवित्र आत्माओं का वास है, इसीलिए चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में, मैं तो बता ही रहा हूं। तो हम बात करेंगे दोस्तों कैलाश मानसरोवर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर डायरेक्शन से, इसको गोल्डन माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जगमगाने लगता है, और पिरामिड शेप का है ये, ठीक है। देखिए, भगवान शिव के आकार का आप ये देख ही सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब, जैसे अभी तो अगर आप जाएंगे तो बादल होते हैं, लेकिन जब ये साफ होता है ना तो कुछ इस तरीके का दिखता है। और यही है कि भगवान शिव का यहाँ पे वास, देवोत के देव महादेव यहाँ पे रहते हैं। और बुद्धिज्म, जैनिज्म के लिए, जैनिज्म के ऋषभदेव ने ऐसा कहा जाता है कि यहां से ही वो लिबरेट हुए थे, ठीक है। तो ये चीज है। तो हम बात करते हैं हर जगह से, हर फेस से ये अलग दिखता है, आपको पता है, ये बड़े रोचक तथ्य है, हर जगह से अलग दिखता है। अच्छा, अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना है तो आप जाएं कैसे?
कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो होती है तीन तरीके है जाने की, या तो आप काठमांडू से चले जाइए, नेपाल से चले जाइए, या आप चाइना, क्योंकि चाइना में ही आता है, वहां से चले जाइए, भारत से आप जाइए। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ KMVN जो कि मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ काम करती है, एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम करती है, सिर्फ वही यात्रा कंडक्ट करवाते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी बाइक लेके चले जाओगे, आप किसी कोई ट्रैवल एजेंसी के पास जाओगे, आप अपनी कार लेके चले जाओगे, नहीं है ऐसा। आपको पिथौरागढ़ होते हुए जाना पड़ेगा, काठगोदाम पहुंच जाइए, ठीक है। काठगोदाम बेसिकली उत्तराखंड में जितने भी हिल स्टेशन हैं, जितने क्या, कुमाऊं क्षेत्र में जो हिल स्टेशन है, तो वहां पे आप काठगोदाम में जाइए, और उसके बाद फिर आप अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर सकते हैं। और एक महीना लगता है, समझ लीजिए, यात्रा में आपको एक महीना लग जाएगा। पैकेज होता है जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको यात्रा करनी है तो KMVN कुमाऊं मंडल विकास, ठीक है, तो यहां पे आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और शायद ये 20 से 30 लोगों को लेते हैं एक बार में, 20 से 30 लोगों को लेते हैं जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जैसे अभी सर्दियों में यात्रा बंद हो जाती है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू होती है और उसके बाद फिर लिपु लेक होते हुए आप कैलाश मानसरोवर जाएंगे, और KMVN ही एक रास्ता है। मतलब और जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई टूरिस्ट एजेंसी के पास नहीं जा सकते, आप खुद से नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं है, एक तो बॉर्डर के पास है ना, तो अलाउड ही नहीं है। KMVN ही इसको कंडक्ट करवाता है, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। होटल्स हो गए, कैंप्स हो गए, खाने का प्रबंध सब कुछ ये अरेंज करते हैं। 40,000 से 50,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, 5,000 वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, और उसके बाद फिर इनका मेल आएगा, मैसेज आएगा, आपको जाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि भैया आप पहाड़ पे जा रहे हो, ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी उतनी नहीं है, यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन है, मतलब फ्रेश ऑक्सीजन क्या, मतलब पहाड़ों पे तो भाई बहुत ही पवित्र हवा होती है, प्योर हवा होती है, लेकिन जितना माउंट एवरेस्ट में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है ना, कैलाश मानसरोवर में नहीं गिरता, लेकिन फिर भी यहाँ पे यात्रा करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी आप चढ़ नहीं सकते, यहाँ पे चढ़ाई नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ना। तो यही है, तो वहां पे फिर क्या है, आपको बुलाया जाएगा और आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा और आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो भारत की तरफ से आप ऐसा यात्रा कर सकते हैं। KMVN जो है वो पैकेजेस देता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए अगर आपको यात्रा करनी है। अभी तो हो रही है, अभी अक्टूबर तक होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप चाइना की तरफ से भी जा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि चाइना ने कई बार ऑफर किया है, चाइना कई बार कहता है, हालांकि चाइना में टाओइज्म धर्म के लिए भी, टाओइज्म के पर्पस अगर उस हिसाब से देखें तो भी कैलाश मानसरोवर सबसे पवित्र है, लेकिन चाइना ने कई बार ऑफर किए हैं कुछ माउंटेनियर्स को कि चढ़ाई करो, उन्होंने मना कर दिया, ना नहीं, और जो गए भी है उनकी तबीयत खराब। नहीं तो आप नेपाल के रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि यहां से ही जाए, ठीक है, यहां पे KMVN से आप संपर्क करें और उसके बाद वो आपको ले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, शिव पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वहां पे कैलाश मानसरोवर का जिक्र मिलता है। महाभारत में भगवान शिव का स्थल बोला जाता है, भगवान शिव का घर बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदुइज्म के लिए तो ये सबसे ज्यादा पवित्र जगह है। और दोस्तों क्या है, देखिए आप जा नहीं सकते, लेकिन आप दूर से दर्शन करते हो। जैसे आप जब कैलाश मानसरोवर के पास पहुंच जाओगे, कैलाश पर्वत के पास, मानसरोवर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर दो लेक है, ठीक है, एक तो कैलाश मानसरोवर और दूसरी राक्षस लेक। दोस्तों एक अजीब बात है कि प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, मतलब एक फ्रेश वाटर लेक और एक सॉल्ट वाटर लेक, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो वहां पे भी आप स्नान जो है वो कर सकते हो, और 6,638 मीटर पे आपको कैलाश मानसरोवर मिलेगा। ये 2,000 मीटर जो है ना वो कम है, लेकिन स्टिल हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन फिर भी यहां पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। नदियां भी भैया ब्रह्मपुत्र और बाकी इंडस, सतलज, बाकी नदियां भी तो भैया कैलाश मानसरोवर से ही तो निकलती हैं, क्यों, यही ये तो बहुत ही। तो जब भी आप यात्रा करेंगे ना तो परिक्रमा करवाई जाती है, KMVN वाले करवाएंगे, परिक्रमा करवाई जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि जो परिक्रमा कर लेता है, जो दर्शन तक कर लेता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप दूर से ही दर्शन करते हैं, आप दूर से ही पर्वत को देख पाएंगे, उसके पास नहीं जा पाएंगे। अभी तो वैसे भी चाइना और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे आपको और दूर से दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रास्ता जो है वो बंद कर रखा है। रास्ते कैसे, देखिए ट्रैकिंग मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आपको 55 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा, अब ये पैदल नहीं जाना है आपको, ठीक है, गाड़ियां हैं, गाड़ियों में आप जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रास्ते जो है ना, क्योंकि रोड डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है,
देखिए कोई क्षति नहीं होती, कुछ क्षतिग्रस्त नहीं होता, वहां के जो ड्राइवर्स है वो एक्सपर्ट होते हैं, आपको ले जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ मुश्किल तो है ही, रास्ते मुश्किल है भैया, भगवान से मिलने जा रहे हो तो रास्ते से थोड़े मुश्किल होंगे ही होंगे। फिलहाल हमारा शानदार यूपीएससी का जो कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें, और अभी हमने आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू कर दी है, एसे राइटिंग क्लासेस भी हो रही है, तो आप बिल्कुल इसको मिस ना करें, बहुत ज्यादा जरूर। हमारे चैनल शॉर्ट्स ग्लूस को आप जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें डेली शॉर्ट्स आते हैं, कम से कम हम 5 से 6 शॉर्ट्स डालते हैं। तो हाइट अगर हम, जैसा कि मैंने बताया कि 2200 मीटर जो है वो कमी है, लेकिन अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। दो लेक यहां पे आपको मिलेंगे, एक तो कैलाश मानसरोवर, पहली लेक ये फ्रेश वाटर लेक है, यहां पे जो पानी है ना बहुत ही साफ है, आप यहां पे स्नान कर सकते हैं, बिल्कुल स्नान करिए। और ऐसा बोला जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है ये एक लेक। और दूसरी इसके एकदम ऑपोजिट राक्षस लेक है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जैसे रावण ने भी यहां पर तपस्या की थी, ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि कैलाश मानसरोवर में अगर जैसे आप, क्योंकि तांत्रिक विद्याओं के लिए भी ये थोड़ा सा यहाँ पे माना जाता है, तो वहां पे आपको रावण जैसी शक्तियां भी मिल सकती है, ऐसा कहा जाता है। बट देखिए कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम थोड़ी सी मिथिकल स्टोरीज को भी साइड में रख दें, तो यहाँ पे ये महसूस किया गया है कुछ अजीब सा है यहाँ पे, है ना। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, जिनका दिल साफ होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, भैया कुछ लोगों का तो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, है ना। और कुछ लोग जिनका एकदम, जिनके दिल में मैल होता है ना, उनको बड़ी ग्लानी होती है, ये है कुछ यहाँ पे। आप इंटरव्यू सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप टेस्टिमनी सुनिएगा। दूसरी राक्षस लेक है जो कि सॉल्ट वाटर लेक है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ आपकी सॉल्ट वाटर लेक है और उसके बगल में ही आपके फ्रेश वाटर लेक है। राक्षस लेक, जैसा कि नाम को ही आप देख सकते हो कि इसको बहुत ही अपवित्र माना जाता है। देखिए नमक है, सॉल्ट है, तो ये तो अपवित्र होगी, इम्प्योर लेक है। बट जो कैलाश मानसरोवर है उसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। और साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट क्यों नहीं इसके बारे में जान पाए हैं, क्योंकि देखिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा, है ना, आपको यहां पे जाना पड़ेगा। अब कोई जा नहीं सकता, रिसर्च आप कर नहीं सकते, कभी मौसम खराब हो गया, कभी आप रास्ता भटक गए, तो इसलिए साइंटिस्ट के पास अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है। आपको बता दूं कि ऐसा बोला जाता है कि जब आप इसके पास जाते हैं, कोई प्लेन जाता है, तो यहां पे ओम या डमरू की आवाज सुनाई देती है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि जब बर्फ पिघलती है उससे जो आवाज आती है ये उसकी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए नॉर्थ पोल है, ये हमारी धरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में हमारा फोकल पॉइंट आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो लाइन जा रही है ना, ये इन फोकल पॉइंट से पास होती है, जिसको एक्सिस मुंडी बोला जाता है, ये भी साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे एनर्जी का, वैसे भी जो एनर्जी होती है ना उसकी फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वैसे बढ़ जाती है। ये जितने भी प्लेसेस है ना, ये आपके एक्सिस मुंडी, स्टोनहेंज बड़ा फेमस, बर्म्यूडा ट्रायंगल, कोई भी प्लेन ऊपर से जाता गायब हो जाता है, ईस्टर आइलैंड और कैलाश मानसरोवर, ये एक सीध में आते हैं। तो ये भी अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखें तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर है यहां पे जो बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ा देता है, साइंटिफिक उसमें है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको डमरू या ओम की आवाज सुनाई देगी, बट साइंटिस्ट का कहना है कि इट माइट बी साउंड ऑफ मेल्टिंग आइस। देखिए मैंने क्या बताया कि साइंटिस्ट गए नहीं ना, जा ही नहीं सकते, तो इसीलिए नो वन इज श्योर कि ऐसा क्यों है। लेकिन हाँ ये कैसी जगह है जहां पे अलौकिक शक्तियां जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज है, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए तिब्बतन बुद्धिस्ट मिलरेपा, इनकी कहानी बहुत शानदार है, ये मर्डर हुआ करते थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग को फैलाया, और सिर्फ एक ही इंसान अभी तक कैलाश मानसरोवर जो है वो जा चुका है। ऐसा बोला जाता है कि जो बॉर्न रिलीजन के बहुत बड़े धर्म गुरु थे उनके साथ इनकी थोड़ी टसल हुई है ना, इनको कई जगह इनको तांत्रिक भी बोला गया है, लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग को जो है वो फैलाया। और ऐसा है कि दोनों में टसल हुई कि मैं ज्यादा बड़ा हूं। फिर ऐसा बोला गया कि जब दोनों ही, मतलब मेल रूपा और जो नानचौक बॉन थे, ठीक है यही नाम था, नाम थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जब उन दोनों में थोड़ा सा ये हुआ कि भाई अच्छा मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति बराबर है, तब ये बोला गया कि जो कैलाश मानसरोवर पहले जाएगा वही फर्स्ट, वही ऊपर है। तो ऐसा बोला जाता है कि मेल रूपा जो है आखिरी वक्त पे सूरज की रोशनी पे सवार होके मेल रूपा जो है कैलाश मानसरोवर गए। लेकिन दोस्तों अगर देखिए ये कहानियां है, ठीक है, ये तिब्बतन फोकलोर है, अगर आप इन सारी चीजों को छोड़ भी देना तो भी मिल रूपा के बारे में बोला जाता है ये पहले थे जिन्होंने कैलाश मानसरोवर पे चढ़ाई की थी, ही वाज़ द फर्स्ट, और ये सक्सेसफुल रहे। अब इसके बाद ये बोला जाता है कि जब ये, तो इन्होंने शक्तियां प्राप्त की,
चढ़ाई करने के बाद इनको एक दैवी एहसास हुआ और इनको सारी शक्ति मिली, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ट्रैकर्स जो है वो यहाँ पे जा ही नहीं सकते, और वो जब भी जाते हैं वो अपना डायरेक्शन जो है वो भूल जाते हैं। तो हिंदुइज्म में जैसा कि मैंने बताया भगवान शिव, और तिब्बतन में अगर बात करें तो कैलाश इज द रेसिडेंट ऑफ शिगले व्रज, जो कि एंडलेस हैप्पीनेस, मतलब इतना ज्यादा तिब्बत, देखिए तिब्बत में है तो तिब्बत के लिए तो ये सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है। जैनिज्म की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि ऋषभदेव, ठीक है, हु वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यहां से लिबरेट हुए। बॉर्न में जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर 300 से ज्यादा भगवान जो है वो रहते हैं, पवित्र आत्माओं का वास है। ऐसा बोला जाता है ना कि ये पिरामिड शेप में है, पिरामिड का बोला क्या जाता है, लेकिन हालांकि ये पिरामिड से बहुत बड़ा है, ऐसे आप 10 पिरामिड ऊपर रख देंगे उतना बड़ा है ये, ठीक है। कैसे बना अभी तक नहीं पता। ये भी एक थ्योरी दी जाती है कि इसको बनाया गया है, ये बोला जाता है कि शायद शक्तियों ने बनाया है, दैवी शक्तियों ने इसको अपने हाथ से बनाया है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज, और अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि इसको कोई भी फतेह नहीं कर, फतेह तो बोलना गलत होगा, लेकिन कोई भी इस पे चढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो ये था कैलाश मानसरोवर पे पूरा का पूरा लेक्चर। देखिए दुनिया में ना बहुत सारी अनसुलझी हुई चीजें हैं, मतलब जिनको सुलझा नहीं सकते, और इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, इनको महसूस किया जाता है। जैसे पहले क्या था, अभी जैसे बहुत लोगों को लगेगा ये अजीब है, ये है वो है, बट देखिए इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। पहले तो पहले के ज़माने में भाई एटम तो अभी 1920 सेंचुरी में खोजा गया, उससे पहले तो यही सोचा जाता था कुछ भी नहीं है सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि अभी साइंस जो है ना वो कुछ भी नहीं समझ पाया है, साइंस जो है वो 10% चीज़ों को ही समझ पाया, बाकी का एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं है। कुछ चीज़ें ना महसूस करने पर अंदर से ही पता लग जाएगा कि है कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये है, बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, और अगर आप ऐसे लेक्चर्स चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।